बिना प्लाजो के अगर मैं दुपट्टा पहन के बाहर जाऊंगी तो बहुत ही अजीब दिखूंगी। हेलो माय क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस स्वाति एंड टुडेस वीडियो इज गोइंग टू बी द बेस्ट एवर फेस्टिव सीजन हॉल ऑन माय चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम रियली अफोर्डेबल येट ट्रेंडी कुर्ती सेट्स फ्रॉम अमेज़न। एंड गाइस, अभी दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है एंड वी ऑल नीड सम फेस्टिव आउटफिट्स। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर सम रियली कूल फेस्टिव आउटफिट्स जो कि बजट में भी हो और ट्रेंडी भी हो, देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इन द वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं ब्लू कलर से, बिकॉज ब्लू सबको पसंद आता है एंड स्पेशली जब फेस्टिव सीजन हो तो सब लोग ब्लू ही पहनना पसंद करते हैं। एंड दिस इज अ प्रॉपर फेस्टिव सीजन कुर्ता सेट, इट हैज थ्री पीसेस एंड लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स। सो इसमें आपको मिलता है पहले ये हल्का सा अनारकली सॉर्ट ऑफ कुर्ता जो कि ऐसा दिखता है। आई लव द पैटर्न यू गाइस, बहुत ही थिन वाला मटेरियल है, बहुत ही लाइट वेट फील होगा आपको, ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत हैवी चीज पहन ली है। बिकॉज फेस्टिवल्स के टाइम क्या होता है, जो मोस्टली फेस्टिव वियर होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, बट दिस वन इज सो लाइट वेट। आई लव द फैक्ट कि इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, मैंने इसको पहन के देखा है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड इसके अंदर आपको कोई भी ब्रालेट, टेप या फिर स्पैगेटी पहननी पड़ेगी बिकॉज ये हल्का सा ट्रांसफर होता है, बट अगर आप रात के टाइम पहनोगे तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। बट इन केस इफ यू आर वेयरिंग दिस इन डे टाइम यू हैव टू वेयर समथिंग इनसाइड सो दैट आपका बिल्कुल भी ट्रांसफर ना हो। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। आई लव द फैक्ट कि इसमें नीचे हल्के से फ्लेयर दिए गए हैं, प्रॉपर अनारकली तो नहीं है बट हल्के से फ्लेयर्स हैं, बट जो इसका प्लाजो है ना उसकी वजह से नीचे पूरा वो फ्रॉक वाला इफेक्ट आता है। देखने में ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही कैनकेन वाला फ्रॉक पहन लिया है बिकॉज इट हैज सच अ गुड क्वालिटी ऑफ प्लाजो पैंट। मोस्टली जब हम लोग कुर्ती सेट्स खरीदते हैं ना तो उसके प्लाजो या पैंट्स अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, बट दिस टाइम आई वॉज सो सरप्राइज बिकॉज आप खुद देख लो कि ये प्लाजो कितना घेरे वाला है। लाइक लुक एट दिस, कितने चौड़े चौड़े इसके फ्लेयर्स हैं एंड इट इज लाइक अ सरारा गरारा, बट ये प्लाजो है एंड जब इसको पहनते हो ना तो एकदम वो कैनकेन वाला इफेक्ट आता है। इट लुक सो प्रिटी, मुझे बहुत पसंद आया ये कुर्ती सेट। दिस सेट वाज फॉर 1380 रुपीज विच इज क्वाइट अफोर्डेबल बिकॉज इसकी जो क्वालिटी है एंड इसका जो मटेरियल है वो सब बहुत कंफर्टेबल है, प्लस इसका जो डिजाइन है ना वो बहुत ही प्यारा है। एंड दिस इज हाउ द प्लाजो लुक लाइक, लेट मी शो यू कम्प्लीटली। सो प्लाजो भी बहुत अच्छा है, कुर्ती भी बहुत अच्छी है, बट वेट फॉर द दुपट्टा। सो दिस इज हाउ द दुपट्टा लुक लाइक, प्रॉपर 2 मीटर वाला दुपट्टा है। बहुत बार ऑनलाइन क्या होता है कि हमें 2 मीटर वाला दुपट्टा नहीं मिलता है, बट इस कुर्ती सेट में आपको प्रॉपर लेंथ मिलती है एंड हल्का हल्का यहाँ गोल्डन वर्क किया गया है। देन हियर वी हैव टैसल वाली डिटेलिंग, सो दुपट्टा भी काफी सुंदर है, प्लस ये एकदम प्लेन दुपट्टा है, कोई भी प्रिंट नहीं है। जैसे कि ये प्लाजो एकदम प्लेन है वैसे ही दुपट्टा भी एकदम प्लेन है। सो यू कैन कैरी दिस दुपट्टा विथ योर अदर कुर्तीज एंड कुर्ता सेट्स, तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, प्लस ये प्लाजो भी प्लेन है तो आप किसी और कुर्ती के साथ पहन सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली वर्सेटाइल पीस जो कि आप डिफरेंट डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हो। एंड आई लव द फैक्ट कि ये कंफर्टेबल तो है ही, अफोर्डेबल भी है एंड आप आराम से फेस्टिव सीजन में इसको पहन सकते हो। इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग रियली अफोर्डेबल फॉर दिवाली देन दिस कैन बी योर ऑप्शन, आई लव इट। आप प्लीज क्लिप्स एंड फोटोज अच्छे से देख लेना ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये पहनने के बाद कैसा लगता है। आई नो कि कुछ लोग जज करेंगे कि 1300 में दिवाली का आउटफिट कैसे बन सकता है, बट इट लुक्स सो प्रिटी, मुझे ये पहनने के बाद बहुत पसंद आया था। देन वी हैव माय मोस्ट फेवरेट कुर्ती सेट फ्रॉम दिस एंटायर हॉल व्हिच इज इन पिंक कलर एंड इसका जो कॉन्ट्रास्ट कलर है ना वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इट इज अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ ग्रे एंड पिंक एंड मैंने ऐसा कभी भी लाइफ में कुछ भी नहीं पहना हो जिसमें पिंक एंड ग्रे का मिक्सचर हो। दिस लुक सो प्रिटी यू गाइज एंड लेट मी शो यू हाउ द सूट लुक एंड दिस इज हाउ द कुर्ती लुक लाइक। लुक एट द फ्लेयर, काफी अच्छा फ्लेयर दिया गया है एंड ये कुर्ता सेट थोड़ा सा हैवी साइड में है जैसे प्रॉपर वेडिंग और फंक्शन वाला आउटफिट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड ऊपर आपको नेक के पास एंड ये पूरे चेस्ट एरिया में गोटा पट्टी का वर्क मिलेगा एंड बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बना है। देन नीचे आपको फ्लेयर्स के पास भी एक चौड़ा बॉर्डर मिलता है एंड ये पूरे पे गोटा पट्टी का वर्क है। यू कैन सी द सिल्वर लाइनिंग, आई होप यू कैन। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, इस पे पूरा फ्लोरल प्रिंट है, इट लुक्स सो डैम प्रिटी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पिंक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन मेरे ऊपर नहीं अच्छा लगेगा, बट इट लुक सो प्रिटी। इसको पहनने के बाद तो मैंने सोच लिया था कि मैं दिवाली के दिन इसे ही पहनूंगी। सो इस कुर्ती सेट में आपको 3 चीजें मिलती हैं। फर्स्ट इज योर दिस अनारकली कुर्ती एंड देन वी हैव दुपट्टा एंड पैंट। इसमें आपको प्लाजो नहीं मिलता है, इसमें आपको पैंट मिलता है जिसपे भी गोटा पट्टी का वर्क किया गया है
है एंड इट लुक्स सो कूल। सो दिस इज हाउ द पैंट लुक लाइक। ये पूरा पिंक कलर में है एंड ये बहुत ही प्लेन वाला मटेरियल है, कॉटन है तो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। प्लस आप ऐसे आउटफिट्स को वेडिंग टाइम में भी पहन सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने दिवाली के लिए दशहरा के लिए खरीदा फिर आप पहनोगे नहीं, आप इसको वेडिंग फंक्शन छोटे मोटे पूजा में पहन सकते हो। सो इट इज कम्फर्टेबल एज वेल। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कम्फर्टेबल आउटफिट्स बताऊं बिकॉज फेस्टिव वियर्स हैवी होते हैं एज यूजुअल एंड उनमें इतनी सारे वर्क एंड सीपीओ का वर्क, गोटा पट्टी वर्क होता है तो बहुत ही चुभन होती है, प्रॉब्लम होती है। बट दिस टाइम आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल आउटफिट्स विद कम्फर्टेबिलिटी। सो दिस पैंट इज रियली कम्फर्टेबल। इसमें आपको इलास्टिक मिलता है जिससे कि आपका वेस्ट अच्छे से पकड़ा रहेगा, होल्ड रहेगा, आपको बेल्ट वेल्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन वी हैव दिस गोटा पट्टी वर्क, बॉटम साइड में आपको गोटा पट्टी का वर्क मिलता है। ऑनेस्टली मुझे पैंट्स एंड पलाजो में गोटा पट्टी का वर्क नहीं पसंद है बट दिस लुक सो प्रिटी। आप क्लोजअप में देखना ये बहुत ही सुंदर दिख रहा था एंड पिंक के साथ पता नहीं क्यों गोटा पट्टी का वर्क ज्यादा अच्छा लग रहा है। देन वी हैव दुपट्टा जिसमें अगेन गोटा पट्टी का वर्क किया गया है एंड इट इज प्रॉपर पिंक दुपट्टा जिसमें हल्का हल्का गोटा पट्टी का वर्क का बॉर्डर है एंड देन बीच में एक दो लाइनिंग दी गई है जो कि सिल्वर कलर की है। बट ये जो टैसल्स टाइप के लगाए गए ना यहाँ पे बीच में पर्ल्स हैं देन टैसल है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर 2 मीटर दुपट्टा। लाइक सीरियसली इस बार मुझे सारे 2 मीटर वाले दुपट्टे मिले। अक्सर क्या होता है कि ऑनलाइन मिलते ही नहीं है बट दिस टाइम आई वॉज सरप्राइज। आप देख सकते हो कितना बड़ा दुपट्टा है ये। सो दिस लुक सो ब्यूटिफुल। एंड जब आप इस दुपट्टे को इस कुर्ती के साथ पहनते हो ना तो जो कॉन्ट्रास्ट कलर बनता है ग्रे एंड पिंक का वो बहुत ही बॉम दिखता है। सो इनकेस इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस फॉर दिवाली देन यू कैन ग्रैब दिस वन। नाउ आई हैव समथिंग रियली रियली डिफरेंट विच इज एथनिक वेयर, बट ये कोई कुर्ता सेट या कुर्ती नहीं है, इट इज एथनिक ड्रेस। यस यू हर्ड मी राइट एंड दिस इज हाउ दिस ड्रेस लुक लाइक। ओ माई गॉड, दिस ड्रेस इज लाइक अ ड्रेस ऑफ ड्रीम। इसमें इतने फ्लेयर्स है आप आराम से इसको किसी भी फेस्टिव वियर में पहन सकते हो, चाहे वो दिवाली हो दशहरा हो। एंड लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। सबसे ज्यादा मुझे इसके फ्लेयर्स पसंद आए, इसके फ्लेयर्स खत्म ही नहीं होते। लाइक पहनने के बाद भी आपको थोड़ा हैवी फील होता है बिकॉज ऐसा लगता है कि आपने कोई हैवी वाला लहंगा पहना है बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ फ्लेयर्स। एंड जो इसके टैसल्स हैं एंड ये जो डिटेलिंग दी गई है वो भी बहुत सुंदर है। ओवरऑल दिस कुर्ती गिव्स मी राजस्थानी वाइब बिकॉज इस पे पूरा चुनरी वाला प्रिंट हो रखा है एंड इट फील्स लाइक अ राजस्थानी ड्रेस। एंड ऊपर आपको गोटा पट्टी का एंड मिरर का वर्क मिलता है नेक के पास एंड वही सेम वर्क आपको हैंड्स पे भी मिलता है एंड नीचे बॉर्डर्स का प्लेन है, बस हल्का सा गोटा पट्टी लगाया गया है। सो इस पे उतना वर्क तो नहीं है लेकिन ये इतना वाइब्रेंट है एंड ये इतना ब्यूटीफुल लगता है, इसके फ्लेयर्स इतने अच्छे बनते हैं कि एक प्रॉपर एथनिक वेयर ड्रेस बन सकता है आपके फेस्टिव वेयर के लिए लाइक दिवाली दशहरा। आप आराम से इसको पहन सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ हल्का फुल्का पहना बिकॉज उसके जो फ्लेयर्स है ना वो आपको हल्का फील होने ही नहीं देंगे। सो दिस इज हाउ द कंप्लीट ड्रेस लुक लाइक एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसके साथ ना ही आपको दुपट्टा लेना है ना आपको प्लाजो पहनना है। सो यू विल बी सॉर्टेड जस्ट बाय वेयरिंग वन ड्रेस। सो इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग व्हिच इज हैसल फ्री जिसमें आपको दुपट्टा ना पहनना पड़े, प्लाजो ना पहनना पड़े, पैंट ना पहनना पड़े, देन दिस इज द ड्रेस यू नीड। जस्ट वन ड्रेस एंड यू आर गुड टू गो। नाउ आई हैव द मोस्ट स्पेशल कुर्ती सेट ऑफ दिस एंटायर हॉल। मैंने बोला था कि इसमें एक मेरा फेवरेट है बट दिस वन इज फेवरेट, फेवरेट से भी ऊपर। दिस इज अ स्पेशल कुर्ती सेट एंड दिस इज अ प्रॉपर ऑम्ब्रेज चिकनकारी कुर्ती सेट। आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, ऑम्ब्रेज चिकनकारी इस टाइम बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। चाहे आप किसी भी वेबसाइट पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, फेसबुक पे देखो, हर जगह आपको ऑम्ब्रेज चिकनकारी में कोई ना कोई तो दिख ही जाएगा, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या फिर इन्फ्लुएंसर हो। सो दिस टाइम आई गॉट माई सेल्फ अ ऑम्ब्रे प्रिंट चिकनकारी इन पिंक कलर। सो इसमें 2 शेड्स है पिंक के, एक है लाइट एक है डार्क एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। द बेस्ट पार्ट इज इट इज अ रियली हाई क्वालिटी चिकनकारी। मैंने लखनऊ में अपने 3-4 साल बिताए हैं सो आई कैन जज कि चिकनकारी रियल है या फेक। सो दिस इज अ प्रॉपर रियल चिकनकारी सेट एंड गाइज लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स। तो सबसे पहले आपको मिलता है इसमें कुर्ता जो कि चिकनकारी वाला कुर्ता होता है एंड इसके अंदर आपको एक स्लिप पहननी पड़ती है या फिर आप बोल सकते हो कुर्ती पहननी पड़ती है एंड दिस इज हाउ द स्लिप लुक लाइक। बहुत ही थिन मटेरियल है, बिल्कुल भी आपका कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं होगा, चाहे आप किसी भी कलर की ब्रा पहनो कुछ भी पहनो। एंड दिस इज वेरी कंफर्टेबल एज वेल। ये पूरा प्योर कॉटन का बना हुआ है एंड दिस कैन फिट एनी बॉडी टाइप। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बॉडी टाइप बहुत ज्यादा प्लस में है या माइनस में है तो आपके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। चिकनकारी एक ऐसी चीज होती है जो हर बॉडी टाइप पे अच्छी लगती है। सो दिस इज हाउ द स्लिप लुक लाइक। देन वी हैव अ कुर्ता जो कि आपको इस स्लिप के ऊपर पहनना होता है। सो दिस इज द चिकनकारी कुर्ता। ये जॉर्जेट मटेरियल में है एंड ये पूरा जाल वर्क वाला चिकनकारी है। जिसको चिकनकारी की थोड़ी सी नॉलेज होगी उसको पता होगा। सो इट हैज जाल वर्क एंड लुक एट दिस, इतना ब्यूटीफुल है ये।
ऊपर आपको वर्क मिलता है, नीचे आपको पूरा ऑम्ब्रे वाला इफेक्ट मिलता है, ऑम्ब्रे वाला वर्क मिलता है, एंड बीच बीच में आपको हल्के हल्के फ्लोरल डिटेलिंग मिलती है। बैक साइड में भी आपको चिकनकारी का वर्क मिलता है, सो इट इज प्रॉपर हैवी वाला चिकनकारी। सो इन केस इफ यू आर लुकिंग टू वेयर समथिंग रियली क्लासी एंड सोफिस्टिकेटेड दिस टाइम, देन दिस इज द वन यू नीड। इट इज सो प्रिटी। आप क्लिप में देख लेना कि ये कितना सुंदर लग रहा था, लाइक ऑम्ब्रे में है तो और ज्यादा सुंदर लग रहा था। सो दिस इज हाउ द कुर्ता लुक लाइक। देन वी हैव द ऑम्ब्रे प्लाजो और शरारा, जो भी आपको बोलना है, बिकॉज ये शरारा जैसा दिखता है। सो ऊपर में आपको अगेन लाइट पिंक वाली डिटेलिंग मिलेगी, एंड इस पे कोई भी वर्क नहीं है, बट जैसे ही आप डार्क पिंक की तरफ जाते हो ना, पूरा फुल ऑन चिकनकारी का वर्क किया गया है। सो इट हैज काइंड ऑफ शरारा वाली वाइब, प्लस इसके अंदर भी ना लाइनिंग दी गई है। आप देख सकते हो कि लाइनिंग दी गई है, हल्की सी भी, कोई भी कहीं से भी ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी आपको। तो आधी लाइनिंग है इसमें, एंड देन जो नीचे वाला पार्ट है, ये ऑम्ब्रे वाला पार्ट, इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं है। एंड देन वी हैव अ प्लेन दुपट्टा, इट इज लाइक अ काइंड ऑफ जॉर्जेट दुपट्टा, इट इज नॉट अ चिकनकारी दुपट्टा। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। प्लस वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड, कि जो पिक्चर थी ना, उसमें यहाँ पे टैसल्स लगे हुए थे पूरे, मतलब इस साइड में भी और उस साइड में भी पूरे टैसल्स थे, बट मुझे ये दुपट्टा कुछ अलग रिसीव हुआ है, लाइक इसमें पॉम्पम है, बट आई एम ओके विद इट बिकॉज मुझे दुपट्टा भी बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं, इतना डिफरेंस चलता है। इट लुक्स सो प्रिटी, एंड आप देख सकते हो ये कलर कितना सुंदर है। सो इन केस इफ यू समवन हु लव पिंक एंड वांट टू वेयर समथिंग क्लासी सोफिस्टिकेटेड चिकनकारी, देन दिस इज द वन यू नीड, गो एंड ग्रैब इट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव माय ओन डिजाइन कुर्ती सेट। यस, यू हर्ड मी राइट, आई जस्ट रिसीव द कुर्ता एंड दुपट्टा। पता नहीं, आई थिंक मैंने देखा नहीं कि इसमें प्लाजो या पैंट नहीं आएगा, एंड मैंने यूं ही ऑर्डर कर दिया। सो मैंने अलग से एक प्लाजो भी ऑर्डर किया था बाद में, जो कि कुछ इस तरह का रिसीव हुआ है, एंड मैं इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आई चोज व्हाइट बिकॉज ये पूरा फुल ऑन व्हाइट कलर का आउटफिट बन सकता है, जो कि मैं आराम से नवरात्रि या फिर दशहरा में पहन सकती हूँ। बट लेट मी शो यू द कुर्ती, इट इज रियली डिफरेंट काइंड ऑफ कुर्ती, बिल्कुल भी ऐसा नॉर्मल कुर्ती नहीं है। इस पे बटन वाली डिटेलिंग है, एंड इट हैज थ्री कलर्स, व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू। तो आप चाहो तो अपने लिए ब्लू या फिर ब्लैक कलर का प्लाजो ले सकते हो, बट आई थॉट कि जब ये पूरा व्हाइट आउटफिट बनेगा ना, तो ज्यादा बेटर लगेगा। अगर आप नेक के पास देखो तो इसमें डबल नेक वाली डिटेलिंग दी गई है, ये एक अलग से कुर्ती है, एंड देन इसमें ये अलग से नेक वाली डिटेलिंग ऐड की गई है, प्लस इसमें हल्की सी बटन वाली डिटेलिंग है, सो आई लव इट। एंड इसके हैंड्स पे एंड नीचे बॉर्डर पे बहुत ही प्यारा बोहिमियन सॉर्ट ऑफ प्रिंट दिया गया है। इट इज काइंड ऑफ लाइक जो पुरानी डायनेस्टी होती थी, उसके जो प्रिंट होते थे, उस टाइप का प्रिंट यहाँ पे किया गया है, सो आई love it। And ऊपर पूरा plain white है। White is also a festive color. I don't know why people do not consider white as a festive color, but I love wearing white। हाँ, बस उसमें हल्का फुल्का कहीं ना कहीं colors होने चाहिए, एकदम plain white तो नहीं अच्छा लगता है। So it has blue color, black color and हल्का color है, तो बहुत ही प्यारा minimal kind of outfit है। I would not suggest कि आप ये दिवाली वगैरह पे पहनो, because it is for 500 rupees and it is very you know muted kind of, मतलब फीका type लगेगा। Now I like the dupatta most। इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया, पूरे दुपट्टे पे सेम कुर्ती जैसी ऐसी बॉर्डर दी गई है, पूरे दुपट्टे पे है, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइड साइड में है। एंड इसका जो दुपट्टा है ना, वो शिफॉन मटेरियल का है, सो इट इज वेरी स्मूथ एंड बहुत ही यू नो बटरी सा है, बहुत ही प्यारा दिखता है। लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स। सो दिस इज हाउ द दुपट्टा लुक लाइक, इट लुक्स सो प्रिटी। नाउ दिस इज अ व्हाइट प्लाजो, जो कि आपको आराम से मिल जाएगा, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई एम गोइंग टू वेयर दिस प्लाजो पैंट विद दिस कुर्ती टू कंप्लीट द लुक, बिकॉज बिना प्लाजो के अगर मैं दुपट्टा पहन के बाहर जाऊंगी तो बहुत ही अजीब दिखूंगी। सो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड द प्लाजो। प्लाजो की क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी मिली है। इसमें ये जो लेंथ होता है ना, यहां से यहां तक का, वो मुझे कम लग रहा है, बट ओवरऑल इट इज नाइस प्लाजो एंड इट कैन गो विद एनी आउटफिट। सो आई लाइक दिस वन एंड दिस इज हाउ माय कंप्लीट आउटफिट लुक लाइक। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल, एंड अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूजफुल लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को देखते हो बट लाइक नहीं करते हो। ऑल्सो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज पसंद आई है, तो दोबारा के वीडियो देख लेना, एंड सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड इनमें से आप कोई भी आउटफिट चूज कर सकते हो, अपने दिवाली के लिए, दशहरा के लिए, किसी भी फेस्टिवल के लिए आराम से चूज कर सकते हो। एंड अगर आप बार बार मेरी वीडियोस देखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लस आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो मैं बना दूंगी एंड अपलोड भी कर दूंगी। सो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।